I am Niaz Kakar. I am working as a project director at Red Plus Balochistan and holding a post of the conservator of Forest Quetta Division. Red Plus reducing emission from the forest and degradation areas, जो deforestation हुई है. Red Plus का मकसद बलूचिस्तान में introduction करवाना था. इसका मकसद यह है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे दरख्तों दरख्त है, जो जिंदा दरख्त है अभी बचे हुए हैं, जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड किया हुआ है, उसको मज़ीद हमने दरख्त लगवाना है और उस दरख्त की मज़ीद कटाई कम करनी है. ये वो ममालिक दुनिया के, वो तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया के जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्राइज हो चुके हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, जापान है, बाकी सारे वो हैं, तो वो एज ए मुआवजे के तौर पर, एज ए कंपनसेशन के तौर पर हमें वो पैसे देंगे. उस पैसे से हम जाएंगे फॉरेस्ट वालों के पास, जंगलों जो भी प्राइवेट फॉरेस्ट है या स्टेट फॉरेस्ट है, उनमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग होल्ड रखते हैं, वो पर केजी के हिसाब से हम बेचेंगे. और ये वर्ल्ड बैंक का एक कमिटमेंट है कि 40 साल के लिए हम उन लोगों को पैसे देंगे और उनको बाउंड करेंगे इन डॉलर्स कि आपने दरख्त नहीं काटना है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का बका का सवाल है. ये बका होगी कि दरख्त होगा तो टेम्परेचर भी ठीक होगा, आपका नेचर भी ठीक रहेगा. जितना आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे, इतना ही ऑक्सीजन और गैसेस में इश्यूज होंगे. ये रेड प्लस का इब्तिदा हमने कर दिया है. आप साफी हजरात के ज़रिए हम घर घर ये पैगाम पहुंचाएंगे और प्रैक्टिकली इंशाल्लाह पहुंचाएंगे कि हम वहाँ पे काम भी करेंगे. ये हमारी रेड प्लस का इब्तिदा. बलूचिस्तान के उन पूरा बलूचिस्तान में ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान 43% ऑफ द कंट्री है. वो स्पेशली आपका जो कोस्टल बेल्ट है, मैंग्रूव फॉरेस्ट है, जूनिपर फॉरेस्ट है, चलगोज़ा फॉरेस्ट है, मोडेस्टा फॉरेस्ट है मुसखेल का, इस सिर्फ हमें फॉरेस्ट की दरख्त का वो नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी वाइल्ड लाइफ रहती है, आपके मेहमान आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हमारी बका की ज़रूरत है. आप देखते हो कि लोग नज़ला ज़ुकाम बीमारियों में मुबतला, अगर ये बैलेंस नहीं रहेंगे तो आप लोग जितने भी एंटीबायोटिक्स खाओ, जितने भी ये बाकी गोलियां खाओ, एंटी एलर्जी खाओ, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे कि अच्छे से अच्छे दरख्त लगाएं और इसकी हिफाज़त करें. और ये यूरोप में, आपको एक बात बताऊँ, शाम के टाइम लोगों की ही मशगला होता है, अगर कोई साफ़ी है तो शाम को वो कोई ना कोई गार्डनिंग करता रहता है. हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उस लेवल पे लोग आ जाए कि वो कम से कम ग्रीनरी ज़्यादा लगाए और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ओजोन लेयर को नुकसान है, ओजोन लेयर टूटेगा तो उसके बाद वो जो ख़तरनाक रेज आ रही है सूरज से, वो जिसको हम कहते हैं क़यामत, जो डायरेक्ट आपको इफेक्ट पड़ेगी आपकी स्किन पे, आपकी हर चीज़ पे, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी. इसके लिए इस बार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सीएम साहब के स्पेशल डायरेक्टिव्स पे केयर अभी जो जुलाई से शुरू, क्योंकि इस हुकूमत को 9 महीने हो गए, इन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीरियस लिया हुआ क्लाइमेट चेंज को, तो इस बार केयर भी होगा. और हम सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे इसमें, हम इस बुनियाद पर यह काम करेंगे कि पॉवर्टी भी ख़त्म हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जैसे केपी मॉडल ने किया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे ताकि लोग अपने पैसों से खर्च करें और उसको पैसे मिले, तब ये कामयाब होगा. इस तरह बलूचिस्तान में टोटल आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2000 लोगों की तादाद है. 2000 आप बलूचिस्तान की आबादी कितनी है आपको ज़्यादा पता होगा, तो 2000 में आप कितने दरख्त लगा सकते हो. इस बार हमने स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की है और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे.